फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप लोग हैं बिंदास, आई एम आकाश। आज हम मेरे एक और दोस्त के घर जाएंगे। उसका घर का पीछे एक जंगल है, उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसको हम लोग तोड़ेंगे। क्योंकि आज ही मेरे को फ़ोन आया था कि मेरे को आज ही पता चला कि उसके घर के पीछे जो जंगल है उसमें एक बहुत बड़ा मधुमक्खी छत्ता है, तो उसको आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो आप लोग रेडी है मेरे उस हम नहीं तोड़ेंगे, वहाँ का आदमी तोड़ेगा, हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग देखने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका घर पहुँच चुके हैं। घर में थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिए, अभी इसका घर का जंगल में लोग एंटर करेंगे। और पहले ही हम लोग मधुमक्खी का छत्ता को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद मधुमक्खी का छत्ता को तोड़ने का ट्राई करेंगे। हम थोड़ी ना तोड़ेंगे, ये जो अंकल हम मेरे आगे जा रहे हैं ये अंकल तोड़ेंगे। ये अभी देख सकते हैं, इनको मधुमक्खी का छत्ता दिख चुका है। अभी हम इनका पीछे जा रहे हैं मधुमक्खी का छत्ता को देखने के लिए। तो हमें अभी तक दिखा नहीं मधुमक्खी छत्ता, तो किधर है अंकल? तो अब देख सकते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता हमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हम आपको दिखाते हैं अच्छा से जूम करके, आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा मधुमक्खी का छत्ता। हम लोग थोड़ा सामने आके दिखा रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग मधुमक्खी के छत्ता को तोड़ने के लिए अंकल रेडी कर रहे हैं अपना सामान, अपना हथियार, अपना आर्मर। तो आप लोग देख सकते हैं ये पत्ते का धुआं करेंगे, क्योंकि पत्ते का धुआं से मधुमक्खी का छत्ते में जितना मधुमक्खी है सब उड़ जाएंगे। उसके बाद ये तोड़ेंगे मधुमक्खी का छत्ता को। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इसको रेडी कर रहे हैं मधुमक्खी के छत्ता को। इसके रेडी होते ही हम लोग मधुमक्खी के छत्ता के ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि हम लोग भी इंसान है, खाने जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। मजाक किए, आप लोग भी सीरियस हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी देख सकते हैं इसमें आग लगा चुके हैं अंकल। तो अभी देखते हैं कि अभी थोड़ा हिला डुला के इसमें धुआं तो बढ़ा रहे हैं अंकल। तो अभी इसको लेके ले जा रहे हैं अभी मधुमक्खी के छत्ता के पास, इसको शायद देंगे तो मधुमक्खी के छत्ता के जितने मधुमक्खी है हनी बीज उड़ जाएंगे। तो देखते हैं अंकल क्या करते हैं। अंदर में थोड़ा ज़्यादा घना है तो पेड़ सब काटना पड़ेगा, मतलब हल्का काटना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हैं। तो हम लोग अगर दूसरे साइड आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा साइड से करेंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं है। हमको डर लग रहा है, आप लोग साथ में इसलिए हमको डर नहीं लग रहा है। तो देख सकते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं धुआँ देना, हल्का हल्का स्टार्ट हो गया उड़ना। देख सकते हैं दो चार थोड़ा एक पूरा धुआं देंगे अंकल। पूरा धुआं देने से थोड़ा उड़ गया, देखिए 10% उड़ चुका है, 10% हाँ 10% उड़ चुका है। तो अभी पूरा धुआं दे रहे हैं जब थोड़ा देर तक, जब तक पूरा उड़ नहीं जाए। तो अब धुआं देते रहे, तो फ्रेंड्स अंकल को जो काम करना है करने दीजिए, हम लोग वीडियो दे बनाते रहेंगे। आप लोग से हमको एक थोड़ा ये है, थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो देख लेते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट नहीं करते। कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या करेंगे, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि हम तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना ब्लॉगिंग का, ये मेरा शायद सातवां वीडियो है। तो आप सब जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप सबको कैसा लगे। तो अभी देख सकते हैं कि अंकल धुआं दे रहे हैं, पूरा धुआं करके सब भाग चुका है शायद, अभी भी है दो चार ठो। तो अभी धुआं दे रहे हैं अंकल, दूसरा जगह से आप सबको व्यू दिखाते हैं। उड़ने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अब पेशेंस,
पेशेंस के साथ हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अभी देख सकते हैं अभी भी उड़ानी है पूरी तरह से जैसे ही उड़ेगा हम आप सबको दिखा देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? तो भी हम लोग इनका पीछे आ चुके हैं, पीछे से कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उड़ चुका है, अभी काटना स्टार्ट करेंगे। तो इनका हथियार लेके काट रहे हैं, 75% ये काट चुके हैं। फिर से मधुमक्खी सब आ गए अपने छत्ता को कवर करने के लिए। मुझे लगता है फिर से धुआं देंगे, क्योंकि आए हैं तो 100% ही लेके जाएंगे। तो फिर से धुआं कर रहे हैं क्योंकि 25% अभी बाकी है, तो 25% भी लेके जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा हनी भरा हुआ। अभी 25% भी काट रहा है। हम इसको स्लो मोशन में आप सबको दिखाते हैं, देख सकते हैं कैसे काटा स्लो मोशन में। आप सबको अगर अच्छा लगा स्लो मोशन मलट को, अच्छा लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। तब लोग देख सकते हैं मधुमक्खी सब जब वापस आ गया थोड़ा वाला में, तो लोग उसको छोड़िए। अभी हम लोग देख सकते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता को जब काट के बाल्टी में रखे तो कैसा दिखे। इसको हम लोग प्यूरीफाई करेंगे, उसके बाद शायद बेचते हैं, क्योंकि बेचेंगे ना पैसा कमाने के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए, यूट्यूब चैनल को वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।